नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं, और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय हैं, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप।
अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। पिताश्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति हैं, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदि शक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपश्यते यत्तत्त्वमहं तत्र प्रथमतः ब्रवीरम् कुटुंब रक्ष कार्यास्तामि आवान पुत्र हरिदम् आस्ति नास्ति च संतुष्टा द्वितीय साद्विहितम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीय सा ब्रवीतम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालया व्यामि कन्या भूय पदे। शुभ घड़ी आ ही गई, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी, और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी माँ को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था।
शिव की शक्ति है आप। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से अलग अलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था, जहां एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। महाराज, माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है। कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा कल सुनेंगे। तृतीय दिवस क्या हुआ माता सरला? कल तृतीय दिवस है ब्राह्मण देवता, आपने मेरे स्वामी को लेकर 10 दिवस उपरांत उनके भाग्य की भविष्यवाणी की थी। तो आपके मन में संशय उत्पन्न हो ही गया देवी सरला। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माता सरला, आप विचलित मत होइए। बस आप माता आदि शक्ति के सभी स्वरूपों की कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रख इन नवरात्रि के दिवसों में
एकाग्रचित हो बस उन्हीं की पूजा कीजिए। ब्राह्मण देवता, मैं माता के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। और हम आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञात भी नहीं किंतु पिताजी को काशी से दूर करने के आपके निर्णय के परिणाम का आपको आभास हो, इस पर बहुतों की आस टिकी है। महाराज देवोदास, माता के प्रत्येक दिवस की कथा के उपरांत जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी का एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, पिताश्री को काशी से दूर रखने की अपनी भूल का आभास आपको स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों आपके जीवन में अब मात्र 9 दिवस ही शेष रह गए हैं। शक्ति, मैं वेद माता आपसे गुहार लगाती हूँ कि कृपा कर वेद की रक्षा कीजिए। नारायण, ब्रह्मदेव, अब ऋषि जिज्ञासा के पास कुछ ही समय बाकी, यदि उनका देहांत हो गया तो हम सब पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हमारी दुर्बलता और पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। आपको धैर्य रखना होगा इंद्रदेव, कदाचित कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होने के उपरांत महाराज देवोदास महादेव को काशी बुलाने के लिए सहमत हो जाएं। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा, चंद्रघंटा। शीश चंद्र और रूप अलौकिक हे माँ चंद्रघंटा, घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। ईश्वर के रूप अनंत हैं, जो जिस रूप में स्मरण करता है ईश्वर उसी रूप में अपने भक्त को कृतार्थ करते हैं। नवरात्रि के तृतीय दिवस अर्थात आज के दिवस माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और आज के दिवस साधक का मन मणिपूरक चक्र अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है। चंद्रघंटा, कितना अनोखा नाम है माता के इस स्वरूप का। महाराज, माता चंद्रघंटा का ललाट अर्धचंद्र के टीके से सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण देवता, आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावेश क्यों हुआ, किंतु उनके नाम में घंटा शब्द के जुड़ाव का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मुझे आपको माता चंद्र घंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके ये कथा सुनाइए। माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार माता पार्वती की अपने मायके से विदाई हुई। स्त्री के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अद्भुत परिवर्तन होता है ये, जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम बार अपने मायके से ससुराल जाती है। तो इस प्रकार
एक ओर माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अपनी मायावी नगरी शुनकपुर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्माण पूर्ण कर चुका था। उचित है, श्रेष्ठतम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन, जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है। मेरा सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है, कोई नहीं पहुंच सकता मुझ तक। महाराज, आपके लिए एक शुभ समाचार है। अभी नहीं अट्टासुर, बाद में बताना। आज अति आनंदित हूं मैं, क्योंकि आज मेरे शोणितपुर का निर्माण संपन्न हुआ है। इतनी कठिनाई से यह समाचार लाया हूँ और महाराज ने सुना भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुझाव से अपने सोनिकपुर का भी निर्माण किया। किंतु ये क्या आवश्यक है महाराज? मेरा अर्थ है, ये नगरी सुंदर है, उत्तम है, किंतु ऐसा क्या विशेष है इस नगरी में? कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रिसुर, किंतु अब मेरे शोणितपुर का निर्माण हो चुका है, तो फिर अब इस प्रश्न को उठाने का कोई स्थान नहीं, तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं? कितना मूर्ख है असुरराज तारकासुर, स्वर्ग त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि है और ये भूकंप कैसा? मदिरा, ये तो अत्यंत अद्भुत प्रवाह है मदिरा का। आनंद आएगा अब। आओ आओ, आनंद मनाए हम। रात्रिसुर, तुम मेरे निष्ठावान सेवक हो, मेरे अति विशेष मंत्री हो, तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो। धन्यवाद असुरराज। एक ओर तारकासुर अपने नवीन निवास शोणितपुर के निर्माण की प्रसन्नता में डूबा था, तो वहीं दूसरी ओर माता पार्वती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुंची, जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला दृश्य था। देवी पार्वती, अपने दाहिने पांव से कलश को झुकाकर अपने नवीन आवास में प्रवेश कीजिए। क्या देवी पार्वती, अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा, और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपको स्वयं ही करना होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। माते माते, किंतु ये जल तो स्वच्छ नहीं है। नहीं माते, पानी तो ऐसा ही देता हूँ ना, तो ये माते दे दिए। तोतला जी, आप समझे नहीं, माता को जल नहीं चाहिए। ओ उती तो फिर
स्वामी। मुझे ज्ञात है पार्वती, तुम यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम करो, किंतु कहाँ? माते, आइए, मैं आपसे भोजन दिता देता हूँ, आइए ना। माता, तोतला जी का आशय है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते हैं। आइए। अब देखने को और शेष रह क्या गया है? देख क्या रहे हो रात्रि सर, पियो उसे। मदिरा पान तो मैं भी करूंगा। रुको अट्टा सर, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। कार्य सभी मैं करूं और विशेष रहे ये रात्रि सुर मदिरा पान का आनंद लें। महाराज मुझे एक तुच्छ सेवक के समान ही समझते हैं, जो बस प्रतीक्षा ही करे अपनी बारी की। ये क्या, मदिरा में मेरी छवि? जल में प्रतिबिंब देखा सुना था, किंतु मदिरा में प्रतिबिंब प्रथम बार देखा है। ये क्या हुआ? ये तो मदिरा में ही समाहित हो गया। अपने मन में मुझे मूर्ख कह रहा था वो, मुझे, किंतु अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि शौनितपुर में क्या विशेषता है। मायावी है मेरा शौनितपुर, मायावी। एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फंसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें फड़फड़ाता रहेगा, किंतु वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। अट्टा सर, क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे? महाराज, यही ना कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका है और वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं, किंतु मात्र कैलाश जाने से क्या होगा? अरे, पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है ना, और वो मैं कदापि संभव नहीं होने दूंगा। तो क्या तारकासुर के पास महादेव और माता पार्वती के विवाह का समाचार पूर्व से ही था? हाँ, किंतु तारकासुर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शौनितपुर का निर्माण तो हो चुका था और अपनी इस मायावी नगरी में उसे स्वयं के सुरक्षित होने का आभास भी हो रहा था। और उधर कैलाश में माता पार्वती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी। आइए माते, आइए। माते ये देखिए, ये अपने सुंदर लतोई दल। Thank you.
माता, आपके लिए मैं फल लाऊं? तेता लदा माते। इन सबके मध्य स्वामी ध्यान मग्न है। स्वामी, क्या हुआ उमा? स्वामी, हमारा भवन, हमारे भवन की अवस्था। क्या हुआ हमारे भवन को? मेरा अर्थ है, ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ? यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं, सभी कुछ अस्त व्यस्त है। इतनी धूल एकत्रित है यहाँ, और रसोई गृह में पात्र भी छिन्न भिन्न है, और इतना मैला है वहाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं, और रसोई घर में भोजन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, और सभी का वो तो अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां निद्रा मिली। तो ये है आपकी चिंता का कारण? हाँ स्वामी। प्रिय, बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतर अपार सुंदरता को जन्म दे सकता है। कमल पुष्प भी कीचड़ में ही फलता फूलता है और खेलकर अपनी सुंदरता भी खेलता है। मैं तो व्यवस्था अव्यवस्था की विचार और आभास दोनों से ऊपर हूँ, किंतु यदि आपकी चिंता यह है कि आप विश्राम कहाँ करेंगी? विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी। पार्वती, मैं तो यहाँ इस वृक्ष के नीचे ही वास करता हूँ, किंतु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ, और उसका निवारण करने हेतु मैं अभी नंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करें। और अब आप भी इन व्यर्थ के विचारों को त्यागिए उमा, और मेरे साथ यहाँ बैठकर ध्यान करने का प्रयास करिए, क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वतः मिट जाती हैं। नहीं स्वामी, आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नंदी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ज्ञात हो चुका है, और मैं ये भी समझ चुकी हूँ अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वयं ही करना है। आप ध्यान कीजिए स्वामी, और मुझे यहाँ की अवस्था पर ध्यान देने दीजिए। यहाँ अब सब कुछ मुझे ही उचित करना होगा। असंख्य अंड महाराज, ये क्या है? वृद्ध हो गए हो तुम अट्टासुर, इसलिए ये समझने में असमर्थ हो कि ये मेरे नवीन असुर हैं। ये कैसे असुर महाराज, जिनके ना हाथ है ना पांव है और ना ही मुख है? तन से ही नहीं, मन से भी वृद्ध हो चले हो तुम अट्टासुर। अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये, और जब ये बाहर आएंगे तीव्र रक्त पिपासा होगी इनकी। समय आ गया है मेरे सुंदर असुरों, आओ बाहर आओ। Hey!
नवीन स्वामी भक्त असुर है ये। जाओ पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश्य, आक्रमण करो कैलाश पर्वत पर, अंत करो देवी पार्वती का। क्या स्वादिष्ट खाने के स्वप्न आ रहे हैं? अरे स्वप्न में भी तुम्हारे स्वभाव की तुच्छता नहीं गई, स्वप्न भी देखा तो मात्र इसी का। अच्छा तो निद्रा में भी इन्हें भोजन के ही स्वप्न आ रहे हैं। अरे वाह इतना स्वादिष्ट भोजन। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा। क्या हुआ माता, सब कुशल तो है ना? माता ये मिष्ठान, ये पकवान आपने स्वयं तैयार किए? माता सत्य कहूं तो आज के पूर्व इस रसोई गृह में ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका, और ये तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। माता हमें बहुत भूख लगी है, ते हम ये भोजन ताले? हाँ हाँ अवश्य करो। रुको, किंतु सर प्रथम स्नान करो, उसके बाद इस संपूर्ण स्थान को बुहारो, फिर हम सभी एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। फिर प्रभु की पूजा के बाद सर्वप्रथम महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगी। जो आज्ञा माता। यदि मैंने इन गढ़ों को अपना कार्य संपन्न करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुँचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे। तो क्या तारकासुर के वे नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने में सफल हो गए थे ब्राह्मण देवता? नमः शिवाय, नमः शिवाय।
गृह में सद्गृहिणी प्रातः और सायंकाल नियमित रूप से घंटा बजाकर ध्वनि उत्पन्न करती है, उस गृह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यही माता ने भी किया। उन्होंने फिर घंटे की ध्वनि से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया, और इसलिए माता के तृतीय स्वरूप का नाम है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा नारी की उपस्थिति की महत्व की प्रतीक है, जिससे भवन मात्र भवन ना रहकर गृह बनता है। और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता ने ही उन्हें वन गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर किया, जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड ज्योति से प्रकाशित किया। इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्त हुआ था, किंतु वास्तव में तो उनके तप का सुफल तो माता के रूप में महादेव को ही प्राप्त हुआ था। अब माता के जीवन का तृतीय चरण आरंभ हो चुका था। माता का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सदगति प्रदान करता है। देवी चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माता चंद्र घंटा का ध्यान करने से साधक का तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र जागृत होता है। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र हमारे विवेक को जागृत कर उसके चरम पर ले जाता है हमें। और जब हमारी कुंडलिनी के इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुनः विचार करने पर विवश हो जाते हैं। महाराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजिए। अवश्य। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ महाराज, आप कुशल तो हैं? ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो? अब हम माता की आरती करेंगे।
अलौकिक हे माँ चंद्र घंटा, घंटे की नाद से पाप विनाश हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। कल प्रातः हम माता के चतुर्थ स्वरूप की कथा सुनेंगे। चतुर्थ स्वरूप अर्थात चतुर्थ दिवस। हर दिवस के साथ मुझे ज्ञान के साथ ग्लानि का आभास क्यों हो रहा है? रामदेव, ये मेरी कल्पना मात्र है अथवा महाराज देवदास के मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ जिसके कारण वो तनाव में आ गए? नहीं देवराज इंद्र, ये मात्र आपकी कल्पना नहीं है। जैसे जैसे महाराज देवदास के चक्र जागृत हो रहे हैं और वो देवी पार्वती और महादेव के भिन्न भिन्न कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर जागरूकता का प्रवाह हो रहा है। ये जितना शीघ्र हो उतना ही उचित है। मुझे तो मात्र यही आशा है कि जब तक उन्हें सत्य का, अपने कृत्य के परिणाम का पूर्ण बोध हो, सृष्टि के लिए अधिक विलंब ना हो चुका हो। काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। नाथ, नाथ, मैं पूजा के समय से देख रही हूँ आप बहुत तनावग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। सब कुशल तो है ना? मैं तो माता के अगले स्वरूप की कथा श्रवण करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको तो ज्ञात ही है इतने अनेक प्रकार से मैं भी माता की यात्रा में स्वयं की यात्रा ही देख रही हूँ। आज जीवन में मुझे पहली बार आभास हो रहा है कि जैसे मुझसे कोई भूल हुई है। भूल? आपसे? कौन सी भूल महाराज? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। नहीं नाथ, आपसे कोई भूल हो ये कैसे संभव है? आप काशी के महाराज हैं, न्यायप्रियता और धर्मप्रायणता के उत्कर्ष उदाहरण हैं आप। माता आदि शक्ति, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ बंदी रहने की अपार पीड़ा सह सकूं। मुझसे रहे ब्रह्मदेव एवं देवगढ़ को तो और भी अधिक कष्ट होता होगा। मुझे इतना बल दीजिए माता कि आपके आशीर्वाद से यहाँ से मुक्त होने तक मैं यहाँ स्थिरता से रह सकूं। वाह वाह! वेद माता, बड़ी निस्वार्थ प्रार्थना की है तुमने। वेद की देवी, सुनो मेरा सुझाव।
देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें मुक्त कराने यहां कोई नहीं आएगा, ना वो देवता और ना ही तुम्हारी आदि शक्ति माता। मुझे विश्वास है माता पर, इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, किंतु तुम अवश्य अपनी चिंता करो दुर्गमासुर। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि यदि माता यहाँ नहीं पहुंची तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। माता तुम्हारा विनाश करने अवश्य यहाँ पहुंचेंगी, तब तुम्हें क्षणिक अवकाश भी प्राप्त नहीं होगा। आदि शक्ति नमो नमः, रक्षा कीजिए माता। बड़ा दम है ना इन्हें अपनी माता की शक्ति का, तो मैं भी देखता हूँ कब यहाँ पहुँचती है और क्या करती है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिक नवरात्रि की चतुर्थी की पूजा आरंभ करने ही वाले, हमें भी तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए। ब्रह्मदेव, नारायण, वेद माता के बिना हम देवता निरंतर अशक्त और लाचार होते जा रहे हैं, और गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता की कथा सुना रहे हैं। प्रभु, अभी तो नवरात्रि का चतुर्थ दिवस ही है, किंतु हमें अब अपनी समस्या के निदान हेतु और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है। देवगण, आपका कष्ट भली भांति ज्ञात है हमें, किंतु आप तनिक वेद माता की वेदना की कल्पना कीजिए, जो दुर्गमासुर की बंदी देवी आदि शक्ति की पीड़ा का विचार कीजिए, जो काशी में अकेले रहकर महादेव से विलग होने की पीड़ा सह रही है, और स्वयं महादेव को देखिए जो इतने व्यग्र, जो उनके वश में है, वो सभी कर रहे हैं गणेश और कुमार कार्तिकेय। उनकी शक्ति माता की भक्ति है, आप भी माता में अपना विश्वास स्थिर रखिए और पूर्ण भक्ति भाव से नवरात्रि पूजन संपन्न कीजिए, और विश्वास रखिए भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। नारायण, मैं हताश और निराश हो रहा था, इसलिए क्षण भर के लिए अपना धैर्य खो बैठा। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। माता कुष्मांडा माता की चतुर्थ स्वरूप है, जिनकी पूजा हम आज करेंगे। ब्रह्मांड का जन्म माता कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही हुआ था। माता की मंद मुस्कान से? हाँ माता, ये उस समय की बात है जब चहु दिशाओं में मात्र अंधकार ही व्याप्त था, सृष्टि का कहीं कोई चिन्ह मात्र भी नहीं था।
स्त्री प्रतीक है एक सुखी संपन्न परिवार का, और माता के लिए परिवार तो पूरी सृष्टि थी। इसलिए महादेव के साथ उनकी हंसी और मुस्कान ने अंधकार को दूर कर एक नवीन सृष्टि को जन्म दिया। अद्भुत। माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर दिया था। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा। किंतु सृष्टि को जीवन हेतु सूर्य देव के प्रकाश की आवश्यकता थी, तो माता ने स्वयं को सूर्य के मध्य स्थित किया और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा और प्रकाश की स्रोत बनी।